फ्रेंड्स, मैं आपको आज एक ना बहुत एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा कि गायनेकोमेजिया में हम क्या ऑपरेशन करते हैं, और ग्रेड 3 अगर आपका गायनेकोमेजिया है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किस तरीके से ग्लैंड हटता है, किस तरीके से फैट हटता है और किस तरीके से स्किन वापस आपकी श्रिंक करती है जिससे आपकी शेप बहुत अच्छी आती है, वो आपको इस एक्सपेरिमेंट में अच्छे भाषा में समझ में आएगा। देखिए, जैसे अगर आपका ये चेस्ट है, एक तरीके से हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल बनाया कि आपका ये चेस्ट है, जो ऊपर वाली जो हमारा मतलब पॉलीथिन है वो आपकी स्किन है, जो अंदर आपका इधर है इसको बेसिकली आपका ग्लैंड है, और मतलब चारों तरफ छोटे छोटे फैट के टिश्यू है। तो ऐसा ही आपका चेस्ट होता है, तो जो आपका मतलब चेस्ट होता है, पहले आपके ऊपर स्किन होती है, उसके बीच में आपका ग्लैंड होता है और चारों तरफ छोटे छोटे से फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं। तो अब इस सर्जरी में हम क्या करते हैं और कैसे आपका स्किन श्रिंक होती है और स्किन क्यों नहीं लटकती, आपको इसमें कंप्लीट समझ में आएगा, स्पेशली ग्रेड 3 और ग्रेड 4 जो ना बड़े बड़े गायनेकोमेजिया होते हैं। देखिए, इस सर्जरी में हम क्या करते हैं, एक सबसे पहले एक छोटा सा मतलब ब्लेड लेते हैं, मतलब ब्लेड से हम यहाँ पे कोने में हल्का सा कट देते हैं। जब छोटा सा कट देते हैं और ये वाला कट आपके अंडर आर्म के मतलब पास होता है जिससे वो दिखाई नहीं देता, फिर इसको लिपोसक्शन कैनुला बोलते हैं, इसके अलग अलग साइजेज होते हैं। तो इतना पतले से मतलब कैनुला से इस वाले छेद से आपका पहले अंदर जाता है और जो ये वाले फैट हैं उस फैट को ये मेल्ट करता है, मतलब इस वाले फैट को ये मेल्ट करके एक एनर्जी से मतलब मेल्ट करता है और ये एक फिर एक सक्शन करके मतलब खींचता है, और जितना भी आपका मतलब फैट है वो ये छोटे से छेद से मेल्ट करके लिक्विड करके ऐसे ऐसे करके हम लोग निकाल देते हैं। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ा क्योंकि वो बेसिकली फैट को मेल्ट नहीं है। तो मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से जो इधर वाला फैट है वो निकल जाता है। तो इस तरीके से होता क्या है, एक मशीन में आपका पूरा का पूरा फैट निकल जाता है, लेकिन बीच में आपका ग्लैंड रह जाता है जो आपके निप्पल के बिल्कुल सेंटर में होता है, लेकिन जो चारों तरफ वाला फैट है वो हमारी मशीन में लिपोसक्शन वाली कैनुला से सारा का सारा फैट हमारे पास मतलब वापस आ जाता है। अब क्या होता है, अब इसका सेकेंड प्रोसीजर में जो उससे के ही इमिडिएटली मतलब बात होती है, उसमें क्या करते हैं, जैसे जो आपका निप्पल है, जैसे आपका मतलब निप्पल एरियोला है, इसके ही कोने में एक छोटा सा कट दिया जाता है। अभी इसमें तो आपको थोड़ा सा मतलब बड़ा कट दिखाई देगा, लेकिन आपकी बॉडी में एक बहुत छोटा सा कट दिया जाता है। तो फिर इस तरीके से जैसे निप्पल में मतलब कट दे के इसको हल्का सा उठाया जाता है और इस छोटे से कट से ही ग्लैंड को निकाल दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़े करके। इतना बड़ा कट नहीं दिया जाता जिससे मतलब जो है ना पूरा ग्लैंड निकल जाए, लेकिन इतने ही छोटे से मतलब कट से पूरा का मतलब जो है सारा ग्लैंड निकाल दिया जाता है, जो मैं अभी इस तरीके से निकाल रहा हूँ क्योंकि अभी हम इसको काट नहीं सकते हैं, लेकिन इस वाले कट से ही जो आपका मतलब ग्लैंड निकल जाता है। अब जब आपका ग्लैंड निकल जाता है, अब क्या होता है, इसमें हम लोग स्टिच कर देते हैं जिससे आपका बिल्कुल ना परफेक्ट तरीके से शेप मतलब जो है ना बनी रहे। अब क्या, अगर आप देख सकते हैं कि एक एम्प्टी पॉलीथिन है, एक एम्प्टी का मतलब जो है वो हो गया है, जो लूज़ हो सकता है, स्पेशली ग्रेड 3 और मतलब ग्रेड 4 में लूज़ हो सकता है। अब इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको एक कंप्रेशन गारमेंट पहनाते हैं। कंप्रेशन गारमेंट क्या होता है, एक पतली सी बनियान होती है जो इसको इस तरीके से पिचकाती है, और स्किन में एक मतलब क्वालिटी होती है कि जो स्किन जो है वो धीरे धीरे श्रिंक करती है अपने आप। तो जैसे कि अगर आप देखते हैं, जैसे जब लड़कियां मतलब प्रेग्नेंट होती है उसमें स्किन स्ट्रेच होती है, पर लेकिन जब मतलब प्रेगनेंसी ख़त्म होती है तो वो स्किन मतलब ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाती है, मतलब सबसे पहले एक्सपैंड हो जाती है उसके बाद श्रिंक हो जाती है। तो वैसे ही आपके गायनेकोमेजिया की भी स्किन है, तो वो आपके सबसे पहले एक्सपैंड होती है, एक्सपैंड होने के बाद वो अपने आप दब जाती है, अब मतलब दबती है कंप्रेशन गारमेंट से। तो आप मतलब एक डेढ़ महीने तक अपना कंप्रेशन गारमेंट पहनते हो तो आपका बिल्कुल जो है ऐसा करके परफेक्ट मतलब आपका स्मूथ हो जाता है, और मतलब इस तरीके से आपको अपना मतलब बिल्कुल फ्लैट चेस्ट दिखाई देने लगती है जिस पर कोई भी निशान नहीं आता, जो भी मतलब कट है वो बिल्कुल स्टिचेस से बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है, स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, कोने वाला स्टिच में नहीं आता क्योंकि वो आपका बिल्कुल अंडर आर्म के ऊपर कट है और बहुत छोटा सा कट है इसलिए वो भी दिखाई नहीं देता, इसमें जो मतलब निप्पल का कट है वो भी दिखाई नहीं देता, और स्किन आपकी प्रॉपरली मतलब हो जाती है, और जो भी हमारे पास मतलब ग्लैंड है, जो भी हमारे पास सारा फैट है, सारा
का सारा हम लोग इसको निकाल देते हैं। इस प्रोसीजर का नाम है लिपोसक्शन और ग्लैंड एक्सेशन, जो गायनेकोमीजिया का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, जिससे अब सबसे अच्छा रिजल्ट आता है और आपके चेस्ट का परफेक्ट शेप आराम से हो जाती है। आई थिंक गायनेकोमीजिया की सर्जरी में इससे ज़्यादा मैं आपको क्लियर शब्दों में नहीं समझा सकता, सबको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस हैं आपको अपने बारे में पूछना है, तो आप हमको नीचे दिए गए मतलब नंबर पर आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप हमको मतलब कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। थैंक यू वेरी मच।